सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सत्य से आत्मसात करना परमात्मा की कृपा है, लेकिन कर्म तो मेरा है। हम आप कर्म से इतना मजबूत हैं, इतना बलवान हैं कि अगर हम कर्म को पहचान लें, कर्म का परख कर लें, कर्म को करना जान जाए, कर्म को समझना जान जाए, तो हम लक्ष्मीपति विष्णु को, मोक्षदायिनी शिव को, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को कभी भी बुला सकते हैं, कभी भी बुला करके उनसे कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं, उनसे शरीर संसार के कल्याण के लिए वरदान ले सकते हैं। फिर आप क्यों भटक रहे हैं? आप मनुष्य हैं, आपको मनुष्य देह मिला है, इस मनुष्य देह के सक्रिय करने के लिए 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इन सब को अनुष्ठानी करने के लिए, इन सब को विधिवत अपने मार्ग में चलाने के लिए, काम करने के लिए मन है। मन एक ऐसा क्वांटम साइंस है, मन एक ऐसा आणविक साइंस है, मन एक ऐसा उच्च कोटि का रासायनिक विज्ञान है, मन एक उच्च कोटि का फिजिकल साइंस का जानकारी है, और मन एक उच्च कोटि का धारणा ध्यान समाधि के विज्ञान को जानने वाला है। जब मन जैसे महान शक्ति को पा करके आप क्यों भटक रहे हो, आप क्यों धक्के खा रहे हो? मन के बस में करो ना, मन को अनुकूल में करो ना, परमात्मा तुम्हारे भीतर में मिल जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ उस मठ में, उस मंदिर में, शिवालय गिरजाए घर में परमात्मा नहीं है, मेरा विश्वास का परमात्मा है, मेरे विश्वास ने उसको अर्जित किया, एक कलाकार ने उसे बनाया है, लेकिन उस कलाकार में सुंदर बनाने का, सुंदर अंकित करने का, सुंदर चित्र बनाने का, स्वरूप बनाने का क्षमता है, लेकिन वह उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, उसमें जीवन नहीं दे सकता। लेकिन जो संत के हिमालय हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उस मूर्ति के बन जाने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा मान शक्ति का प्रादुर्भाव करते हैं, जिस मार्ग का कर दें, उत्तरी मार्ग का शक्ति कर दें, दक्षिणी मार्ग कर दें, पूर्वी मार्ग का, पश्चिमी मार्ग का, किसी मार्ग का शक्ति कर दें, लेकिन यह सब संतों में गुण है। संत जहाँ रहते हैं, मनुष्य जहाँ तपस्या कर लेता है, वहाँ उसके कण विद्यमान रहते हैं, उसका तेजस विद्यमान रहता है। संत चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे आपके पीछे अपनी क्रियाओं का, अपने बलवान, अपने मन के संकल्प का, अपने आत्मसमर्पण की व्यवस्थाओं को छोड़ जाते हैं कि हम सब उसको पूरा करें। इसलिए आज के समय में मैं आपसे कह रहा था, कहीं जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो, जहाँ कहीं भी, रुको, यू हैव टू स्टॉप। द वेरी फर्स्ट थिंग्स, ये बहुत पहली ज़रूरत है कि आपको रुकना है, ऐसे नहीं जाना, निर्देश नहीं जाना, पर्पज लेस होकर नहीं जाना है। यू हैव टू गो, यू हैव टू वॉक, यू हैव टू मूव, यू हैव टू रन, यू हैव टू जम्प, बट थ्रू द मीनिंग ऑफ द लाइफ, जीवन के अर्थ को समझते हुए। जीवन क्रिया प्रधान है, जीवन शक्ति से प्रतिपादित है, जीवन इंद्रियों से प्रतिपादित है, हमारा आपका जीवन मन के बाउंड्री में है, इसके अंदर बुद्धि काम कर रही है, इसके अंदर विवेक काम कर रहा है, इसके अंदर अस्मिता काम कर रहा है। इस जीवन प्रवाह के मार्ग में आपको आत्मा का साक्षात्कार है। मन जैसा उच्च व्यक्तित्व, प्राण जैसा सूर्य की कृपा है, सब आपके भीतर में है, बट वाई नॉट आप अपने को समझ पाए? क्यों नहीं आपने अपने को समझा? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद विच वे यू आर गोइंग नाउ? तराजू के दो पलड़े की तरह, कभी इधर नीचा है, कभी इधर नीचा है, कभी ये उठ जाता है, कभी ये उठ जाता है। आप द्वंद में हो, दुविधा में हो। यू हैव नॉट टेकन ए क्लियरेंस फ्रॉम योर सेल्फ कि आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द एबैंडन, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द थिंग्स, जस्ट हियर आई एम टू रियलाइज। एक घंटे, दो घंटे बैठो, 10 घंटे बैठो, रात नहीं बैठो, बट योर मोटिव शुड बी रियलाइजेशन ऑफ योर सेल्फ, योर मोटिव इनलाइटनमेंट योर सेल्फ, देयर विल बी इल्यूमिनेशन, प्रकाश होगा और होता है। मैं कई एक वर्षों से इस हिमालय के तट पर रहता हूँ, गंगा के तट पर रहता हूँ, अनेकों नदियों के तट पर रहता हूँ,
और उन अनुभूतियों को आपसे बांटना चाहता हूँ। मैं थ्योरेटिकल योगी नहीं हूँ, मुझे कथा कहने नहीं आता, मुझे प्रवचन करने नहीं आता, मैं अनुभव की बात करता हूँ। व्हाट एवर एक्सपीरियंस आई हैव गॉट टू गो इन टू द समाधि, द वे आई हैव अवेकन माई कुंडलिनी, द वे आई हैव रीच टू द गॉडलीनेस, वह सब मेरे अंदर घटी हुई प्रक्रिया है। आई हैव लेट देम हैपन, मैंने उसे होना दिया है। मैंने अपने पात्र को इतना खाली किया, मैंने अपने पात्र इतना स्वच्छ किया, मैंने अपने पात्र इतना साफ किया कि जब भी मैंने संकल्प किया किसी देव का, किसी देवी देवता का, किसी ऋषि का, किसी मुनि का, वो प्रत्यक्ष मेरे साथ बैठ करके सत्संग किए, विचार किए, अपनी कृपाएं दिए, तरीके बताए। आप घर बैठे सब कुछ पाना चाहते हो, आप घर में बैठ करके आश्रम में मठ में बैठ करके सब कुछ पा, जहाँ साधन है, जहाँ व्यवस्था है, जहाँ व्यवस्थाओं का चिंतन है, जहाँ बहुत सी सुंदर व्यवस्था है, वहाँ आपका सत्य नहीं है, वहाँ आपका मैनेजमेंट है, वहाँ आपकी बनाई हुई विधियाँ हैं, वहाँ आप सिद्ध बन करके रह सकते हैं, वहाँ आप एक अच्छे साधु बन कर रह सकते हैं, एक सत्संगी बन कर रह सकते हैं, एक कथाकार बन कर रह सकते हैं, एक संसार के व्यवस्थाओं को कथाओं को कहने वाले योगी बन कर रह सकते हैं। लेकिन योगी होना इतना आसान नहीं है। योगी इज टू बिकम ए सो हायर कॉन्शसनेस, एक योगी की इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त कर जाती है कि गो थ्रू द बॉडी, गो थ्रू द माइंड, शरीर से होकर मन तक जाता है, मन से होकर बुद्धि तक जाता है, और वहाँ से सब को छोड़ देता है। ही डोंट कैरी द माइंड, ही डोंट कैरी द बुद्धि, ही डोंट कैरी द ईगो ऑफ द सेल्फ पर्सनैलिटी, ही जस्ट ड्रॉप इट, ड्रॉपिंग एवरीथिंग, बिकमिंग ए सेल्फ। सबको अनुभव भोग करने के बाद में, प्रेम को, दोस्ती को, रिश्ता देखने के बाद में, कोई कोई साधु इससे ऊपर उठ जाते हैं। वो सीखते हैं गंगा के बहाव से, कल कल दल दल छल छल स्वर से गंगा बह रही है, रोज मैं यहाँ बैठता हूँ, चाहे आपके लिए कुछ बोलूँ चाहे ना बोलूँ, रोज मेरे साधक 4 बजे इन पत्थर के चट्टानों पर बैठते हैं। साधु हैं, संत हैं, वो इंजॉय लेते हैं, आनंद लेते हैं, सेलिब्रेट कर, दे बिकम ए सेलिब्रिटी ऑफ देयर ब्यूटीफुल लाइफ बिकॉज दे आर डूइंग ए जापा, मेडिटेशन, एवरीथिंग। मैं गंगा के ही आशीर्वाद से, गंगा माँ के ही कृपा से, मैं आपके लिए केवल साधना के लिए, नॉट फॉर द इंटरटेनमेंट। आप सोचे यहाँ आकर के समय को घूमने फिरने, मनोरंजन में बिताएं, तो नहीं, मैं ये चाहता हूँ आप ऐसे जगहों पर आकर के हफ्ते 10 दिन 20 दिन 40 दिन तक आकर के आप साधना करें। उन 40 दिन में आप शरीर की भाव को भूल जाएंगे, आप मन के भाव को भूल जाएंगे, आप आत्मदर्शी बन करके, आत्मदर्शन करके परमात्मा करीबी को प्राप्त कर सकते हैं। बट दिस विल बी योर एफर्ट, द लैंड, इस पृथ्वी पर, इस प्लानेट पर भूमि का महत्व है। ये ऋषि मुनियों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है। मैं बहुत पहले इन्हीं पत्थर के चट्टानों पर देखा है श्री राम शर्मा को सर्वेश्वरानंद के साथ बैठे हुए। मैं भी उन लोगों के साथ घंटों सत्संग किया है। वे आंदोलन बन करके राष्ट्र में गायत्री का एक आंदोलन बनकर संचालन किया, अपना काम पूरा किया, चले गए। धन्य है वो आत्मा जिन्होंने अपने काम किया, पूरा करके चले गए। लेकिन सर्वेश्वरानंद नहीं गए। उन्होंने कुछ काम नहीं करना, उन्होंने कहना है, करवाना है, उन्हें शरीर नहीं छोड़ना है, उनको जान, क्योंकि उन्होंने मनुष्य से, समाज से, व्यवस्था से एक्सपेक्टेशन नहीं किया। गंगा का बहता हुआ जल और मन का प्रवाह, मन का संकल्प, मन का विचार गति, या इन सबों में इतना शक्तिशाली है। गंगा का जल अगर जीवन बन सकता है तो मन का विचार, मन की चिंतन, मन की धारा आपको संसार के निर्माण में, आपके शरीर की रक्षा में, आपको परमात्मा की ओर जाने का मार्ग बन सकता है। मन ही परमात्मा से मिलाएगा, मन ही शरीर का सुख देगा, मन ही संसार से दोस्ती करेगा, मन ही आपको अपना संसार बनाता है। अभियान का अलग जगाते हुए महायोगी पायलट बाबा जी जैसी अद्भुत शक्ति आपके
हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच है। बस जरूरत है तो हमें और आपको उनकी ओर कदम बढ़ाने की। बाबा जी से संपर्क का पता है महायोगी पायलट बाबा आश्रम A65 पंचवटी अपार्टमेंट विकासपुरी न्यू दिल्ली फोन 011-2853-4110। महायोगी पायलट बाबा आश्रम तल्ला गेटिया नैनीताल उत्तरांचल फोन 059-422-4026 और महायोगी पायलट बाबा आश्रम दक्ष रोड जगजीतपुर कनखल हरिद्वार उत्तरांचल फोन 01334245868।